डाल देंगे, जैसे हमारे वेजिटेबल बीनस वगैरह बटाना बटाटा सब डाल देंगे उसको। पुलाव देखिए साथ में पापड़ है और अचार है। आप पापड़ अचार के साथ वेज पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए वेज पुलाव हमने बनाया है आज, जो देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वेज पुलाव। तो कैसा बना के भाई? बहुत अच्छा बना। ये ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना कि भाई? हाँ। तो अभी तो फिलहाल हमको सुबह हो गई है ना, आप सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी तो फिलहाल नाश्ता करके लेना है हमको है ना। सबसे पहले हम अंडा खाते हैं, अंडा खाएंगे सबसे पहले ना, उठे उठे सुबह अंडा खाते हैं, हमें एक घंटे के बाद नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले अंडा रख देंगे, उबालने रख देंगे अंडा सबसे पहला। तो वीडियो में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के लिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए पहला ना तो अंडा खा के ले लेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह उठे उठे एक ही अंडा खाते ही है ना कि भाई? हाँ। अंडा हम लोग खाते हैं सुबह उठे उठे और फिर इसके बाद आधे घंटे के बाद नाश्ता करते है ना। हाँ। अभी अंडा खा के ले लेंगे। चलिए ऊपर से थोड़ा नमक डाल देंगे हल्का, तो टेस्ट में अंडा अच्छा लगता है। थोड़ा सी होममेड मसाला हल्का सा डाल देंगे, स्पाइसी लगेगा, तीखा लगेगा। टोस्ट है और साथ में चाय देती है, ये चाय और ये टोस्ट। देखिए क्रीम पाव भी लेके आया है मैंने, आइसक्रीम क्रीम पाव में अच्छा लगता है। देखिए दिखा था आपको भाई, मैंने क्रीम पाव खाएंगे अभी। देखिए क्रीम पाव, देखिए क्रीम पाव टेस्टी लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है क्रीम पाव खाने में। एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है ना क्रीम पाव, तो खाने में और स्वाद अच्छा आता है क्रीम पाव। देखिए मुझे टेस्टी है, मुझे पसंद है बहुत क्रीम पाव, इसके लिए मैं लाता रहता हूँ कभी कभार। क्रीम देखिए कितने अंदर से लगी क्रीम। तो चलिए अभी नाश्ता करके ले लेते हैं। चलिए गाइस अभी नाश्ता वाश्ता करके हो गया ना? हाँ नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके हो गया है तो आज के भाई खाने में क्या बनने वाला है? आज वेज पुलाव। आज बनने वाला है वेज पुलाव है ना कि भाई? हाँ। अब ये चैनल पे वेज पुलाव की रेसिपी तो नहीं थी, तो आज मैं वेज पुलाव ट्राई करें है ना। हाँ। तो आपको भी दिखा दे। तो आज खाने बनने वाला है वेज पुलाव और साथ में रहेगा पापड़ और अचार है ना। हाँ। सब तो रहेगा ही, पापड़ अचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये वीडियो के लिए। चलिए वेजिटेबल ले लिए है, जैसे कि आलू ले लिए है, फ्लावर ले लिए है, गाजर है, बीनस है और साथ में थोड़े से मटर है। ओके मटर भी ले लेंगे, मिक्स ले लिए समोसा। पहले हमने कांदा चॉप करके ले लिए है। कितने कांदा लिया के भाई? तीन कांदा। ये तीन कांदा लिया हमने। ओके और वेजिटेबल आज के हिसाब से आप दे देना, कितने ले लेना कि जितने क्वांटिटी में आप बना रहे हैं वेजिटेबल आप पुलाव उतना ले लेना। एक बर्तन ले लेंगे और बर्तन में डाल देंगे तेल। तो कितने चम्मच तेल डाल देना है के भाई इसमें? ये दो चम्मच हुआ, तो पाँच चम्मच तेल डाल दिया हम लोग ने इसमें। ओके अब इसमें क्या डालना है के भाई? तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, जैसे कि डाल देंगे हम लोग मिरी, लौंग, दालचीनी, बड़े जीरा और तेज पत्ता। एक ही तेज पत्ता डालेंगे छोटा और दालचीनी। और इसमें डाल देंगे अभी तेज पत्ता, ज्यादा नहीं डालना है ना कि भाई? थोड़ा ही डालना है, एक ही डाल भी सकते हैं आप, एक ही छोटा डाल देना। थोड़ा सा ले लिया मैं तेज पत्ता। अब इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से तेल में। अभी कटा हुआ कांदा डाल देंगे अब इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे, कांदे को अच्छे तरीके से भून लेना है ना कि भाई? हाँ अच्छे से भून लेना। और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच करीब है ये। मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये हमने दो टमाटर ले लिए काट के, ये दो टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से कांदे को भून देना है अभी थोड़ा सा। कुछ गरम मसाला डालेंगे
तो जैसे कि धना पाउडर डेढ़ चम्मच करीब डाल देंगे, और इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, मसाला पाउडर डेढ़ चम्मच करीब। और इसमें क्या डालना है भाई? अब इसमें डालना है पुलाव मसाला। अब इसमें डाल देंगे पुलाव मसाला, वेज पुलाव मसाला, और मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और इसमें क्या डालना है? और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब क्या करना है कि भाई इसमें भून लेंगे मसाले। अब इसको भून देना अच्छे से, मसाले को जो भी हमें मसाला है ना, सब मसाले सबको भून देना अच्छे तरीके से। अभी क्या कर देंगे, इसमें मिर्ची डाल देना। कितनी मिर्ची डालना है कि भाई? करीब करीब इसमें छः डाल देंगे बीच में से काट के, है ना? हाँ, देखिए इस तरीके से कैंची से काट के मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे जैसे हमारे वेजिटेबल बीनस वगैरह, बटाना बटाटा सब डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी अभी चावल अच्छे से धो के इसमें डाल देना है। अभी वो आपको दिखाता हूँ। देखिए चावल ले लिए, कितने ग्लास ले लिए? 3 ग्लास। ये साथ का हमने चावल ले लिए 3 ग्लास करीब इसके लिए। ओके, अब इसमें डाल देंगे। चावल को अच्छे से धो लेना है और फिर इसमें डाल देना है। अच्छे से धो लेंगे अभी। तो अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डाल देंगे अभी इसमें। आपकी सबसे पानी डालें जैसे पकने के हिसाब से, है ना? कि भाई पानी डाल देना चावल के ऊपर है वो सब। मैंने 3 डाला। हमने ये 3 ग्लास पानी डाले। ये वाले बड़े साइज की ग्लास है, देखिए ये वाला साइज की ग्लास है, 3 ग्लास डाले हमने। अभी अच्छे तरीके से मिक्स करने आएगा अपने को। तभी अच्छे तरीके से सभी मसाले सभी जो हम वेजिटेबल डाले सभी मिक्स करके दे देंगे, चावल सब वगैरह। और इसको पकाने रख दें, ढक्कन रखे पकाने को भाई। हाँ, नमक डालना है। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1.5 चम्मच करीब करीब डाल देना आप नमक, आपके हिसाब से, आप जितने क्वांटिटी बना रहे उतना। इसे मिक्स कर देना है सभी मसाले को। और नमक को मिक्स कर देना है। अभी चावल को पका के लेना है, ढक्कन आना के पे इसको ढक्कन रख के पका लेना है चावल को अभी। चलिए गाइस, रेडी हो गए हमारे वेज। तो देखिए वेज पुलाव आप इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे, साथ में टीका अचार है, साथ में पपड़ है। तो ये वेज पुलाव इसके साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप साथ में पपड़ और अचार हो तो बहुत टेस्टी लगता है। देखिए वेज पुलाव आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। कर लेते हैं अभी पुलाव। देखिए साथ में हमारा वेज पुलाव, देखिए। तो देखिए टेस्ट करते हैं अभी। चलिए आप अभी देखिए साथ में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अभी बना है ना कि भाई? हाँ, कि भाई टेस्ट नहीं किया अभी तक, कि भाई टेस्ट करेगा अभी। तो कैसा बना है भाई? बहुत अच्छा बना है, बहुत तो बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी बना है। देखिए क्रंची क्रंची पपड़ बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी बना है कि भाई? टिक्का ही स्पाइसी बराबर है, सभी सब्जी अच्छी तरह से पक गई है, वेजिटेबल तो बहुत ही टेस्टी बना। आप एक बार ये घर पे ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है ना कि भाई? ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो की बारी आ गए, वीडियो पर नया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ ऐसी कुछ नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।